अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। सनब्लॉक, हेलोरोनिक एसिड, अमोनो एसिड, कॉलेजन, ये सब नाम आप सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। अगर हम बात करें हेलोरोनिक एसिड की, तो हेलोरोनिक एसिड हमारी स्किन के लिए एक ऐसा प्रोटीन है जो नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है। ये कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में बनने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन पर एक ग्लो, एक हाइड्रेशन बना के रखता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मॉइस्चराइज़र सीरम शेयर कर रही हूँ जो आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम को डील करेगा, चाहे वो हेलोरोनिक एसिड की कमी हो, अमीनो एसिड की कमी हो, चाहे वो सनब्लॉक हो, विटामिन सी हो, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हेलोरोनिक एसिड एक ऐसा प्रोटीन है, जब तक ये प्रोटीन हमारी बॉडी में रहता है, हमारी स्किन पर एक कुदरती चमक, कुदरती निखार रहता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई लगती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है, तो ये इसकी मिकदार हमारी बॉडी में कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चों की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन जो है वो डल होना शुरू हो जाती है। तो उसकी जो बड़ी वजह होती है, वो वजह यही है कि इस प्रोटीन की जो मिकदार है वो हमारी बॉडी में कम हो जाती है। अगर बात करें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड जो है वो हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज रखता है, हमारी स्किन की जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन रखता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा यूथफुल लगती है। थर्ड नंबर पर जो चीज़ हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती है वो है विटामिन सी। आप में से जिन लोगों को स्किन का कभी ना कभी प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो चीज़ सबसे पहले रिकमेंड करते हैं वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए ऐसे ही है जैसे पौधों के लिए पानी। जैसे पौधों के लिए पानी ज़रूरी होता है, ऐसे ही हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, डल स्किन को इम्प्रूव करता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन जिन लोगों को होती है उनको डॉक्टर्स जो है विटामिन सी का जो है वो सजेस्ट करते हैं, विटामिन सी सजेस्ट करते हैं। सो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं सनब्लॉक की। सनब्लॉक हमारी स्किन पर एक ऐसा बैरियर है जो हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। इसीलिए जब भी आप घर से बाहर जाएँ, धूप में जाएँ, तो सनब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें। आज जो मैं आपके साथ एक मॉइस्चराइजिंग सीरम शेयर कर रही हूँ, स्किन एक्वा, ये SPF 27 है। इसमें हेलोरोनिक एसिड, विटामिन सी, अमीनो एसिड, कॉलेजन, तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती हैं। ये तमाम स्किन टाइप के लोगों के लिए सूटेबल है, ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे मैंने। मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर प्राइस की बात करें तो ये 890 में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ईज़िली मिल जाएगा। यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने इसको अपने ड्राई फेस पे अप्लाई नहीं करना। जब आपने फेस वॉश कर लेना है, तो 80-90% आपने अपने फेस को ड्राई कर लेना है, 10% आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन के अंदर जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ना ही ये ऑयली बेस है। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छी है। सो ये बजट फ्रेंडली भी है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, मेरी रेमेडी से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।